गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 26 अप्रैल सन 2018 और गुरुवार का दिन है। क्या परिवार में किसी तरह का विस्तार नहीं हो रहा है या फिर परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे या परिवार में कलह रहता है, अपनों का साथ ठीक नहीं है और परिवार के लोग कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे या धन को लेकर हमेशा परिवार में कलह रहता है, फिर आंखों में कोई न कोई प्रॉब्लम या मोतिया भी नहीं। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान आज का गुरुमंत्र है। नमन आ रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? कहीं भयभीत होने की जरूरत, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। देवादिदेव शनिदेव आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। मुस्कुराते हुए आता हूँ और आपसे भी कहता हूँ थोड़ा सा मुकराए, मुस्कराए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी अनमोल है साथी, फिर इन आंखों में देखिए और इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। समय है आपके सवालों का जवाब, आपकी समस्याओं का समाधान। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, हम परिश्रम बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिलती है जो हमें मिलनी चाहिए। सारी कोशिशों के बावजूद भी हम अपनों का साथ नहीं पा पा रहे। जमीन तलाशते तलाशते बहुत परेशानी हो रही, कैसे हम खड़े हो सके और कैसे सफलता पा सके, कोई साधारण सा उपाय बता दीजिए। किसी भी संक्रांति के दिन 70 ग्राम सफेद तिल, 70 ग्राम चावल और 70 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां किसी मिट्टी के पात्र में डालकर सूर्यास्त में इस पात्र को पीपल के एक श्योमगिरी पत्ते से ढक लीजिए और किसी आग के पौधे में जड़ में रख के आ जाए। ध्यान रखिएगा वापस मुड़कर नहीं देखें और घर आकर स्नान कर लें, नहाने के पानी में थोड़ा सा केसर मिलाकर नहा लें और वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। बाप करके देखिएगा, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। 26 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की साल करें। निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा, काम नहीं चल रहा, नौकरी में बाधा आ रही, शिक्षा में बाधा आ रही, वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं तो ये उपाय किसी भी गुरुवार के दिन प्रारंभ करना और लगातार 43 दिन करना। रात को सोते समय सफेद कपड़े में 700 ग्राम बतासे और 700 ग्राम सौंफ बांधकर सिराने रख दे, प्रातःकाल किसी विधवा स्त्री को दान में दे दे हर गुरुवार को या फिर 43 दिन हर रोज। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। नारायण के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में हर रोज गाय के घी का दीपक जलाए और एक पीला पुष्प अर्पित करें
अब आप ये उपाय करके देखिएगा 2018 आपके लिए मंगलमय बीतेगा। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। आपके लिए बात करूंगा गुरुवार के राशि पर। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि प्रथम राशि, राशि अधिपति मंगल, आक्रमक स्वभाव। लेकिन जिस तरह के घर योगायोग मेष राशि वालों, आज के दिन क्रोध पर काबू रखना, क्योंकि सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही है। कार्य में बाधा उत्पन्न होगी आक्रमक स्वभाव के कारण, आपकी आक्रमणता की वजह से सरकारी अफसरों से वाद विवाद की संभावना है, धनहानि की संभावना है। आज जिस तरह की घर योगायोग है, गुप्त शत्रु आपको बाधा उत्पन्न कर सकता है, घरेलू समस्या उत्पन्न होगी और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी क्रोध नहीं करें, कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं, बुजुर्गों की सलाह माने और संभव हो तो आज धैर्य से काम करें, और संभव नहीं आपको ये संभव बनाना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी सुबह से लेकर शाम तक कष्ट है। डरे नहीं, सचेत कर रहा हूं, छोटा सा उपाय आप जरूर कर ले। आज साबुत मसूर अपने ऊपर 7 बार उसारी, और किसी विधवा स्त्री जो सफाई कर्मचारी विधवा स्त्री उसको दान में देके देखिएगा कष्ट कम आए। क्या करें, बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें, माता पिता की आज्ञाओं का पालन, क्या ना करें, कारोबारी लंबी यात्रा ना करें। नमन और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि सितारों की बात कर रहे हैं, और ग्रह गोचर ये कह रहा है कि आज सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त होगा, परिवार में एकता और खुशी का वातावरण बना रहेगा, कारोबार में आप सफलता हासिल करेंगे, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। क्या करें, जो अवरुद्ध कार्य है उनको संपन्न करने का प्रयास करें, क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। नमन है, और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह योगायोग ठीक है, जिस तरह की ग्रह योगायोग है खर्चों की पूर्ति होगी, समाज और परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा, आपकी परेशानियों की मुक्ति आपके परिवार और समाज की वजह से आपको मिलेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में संयमित रहना बहुत जरूरी है, और आप संयमित रहे तो मान सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता निभाने में सफल होंगे, बस थोड़ा सा धैर्य, क्या करें, पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें, क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे, न माना रहे। मैं इस वृषभ और मिथुन की बात करी, करक सिंह कन्या की बात करूं, इन उससे पहले गुरुवार का राहु काल और यात्रा। गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक, राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि वाहन खरीदना या कमोडिटी में कोई पूंजी निवेश करना उचित और अनुकूल नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, न माना रहे। बात करते यात्रा की, उत्तर दिशा की यात्रा आज कारोबार की दृष्टिकोण शुभ मंगलमय रही। मैं ये करूं समय और साधन बदल गया, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आज के दिन पीला पुष्प भेंट करिए, गाय के घी का दीपक जलाइए और जीरा चबाते हुए यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मौना रहे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, गुरुवार के राहु काल यानी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यदि आपका पारिवारिक जीवन में कलह बहुत रहता है, ये उपाय उन लोगों के लिए, पारिवारिक कलह के निवारण के लिए गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल या 1/4 किलो चने की दाल, 1/4 किलो हल्दी, 1/4 किलो मिठाई पीले कपड़े में बांध अपने ऊपर 7 बार उसार किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन पर बात करते हैं करक राशि। करक राशि ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी, देश विदेश से कार्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे, शास्त्र और पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लोग आपका सम्मान करेंगे और शुभ कार्य संपन्न होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या करें, नए लोगों से मित्रता करना उत्तम रहेगा, क्या ना करें, अपने विचार दूसरों पर न लादे, न मना रहे। तो बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आज की गणनाएं आपके पक्ष में नहीं है, थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी से बचे और अपनों को साथ लेके चले तो दिन अच्छा बीत जाएगा, नहीं तो कार्य में बाधा है और धन हानि का योग है।
यदि जल्दबाजी करी तो मान सम्मान की चिंता भी और वाद विवाद भी उत्पन्न होगी। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। सुबह से लेकर शाम तक सिंह राशि वालों गोचर इसी तरह का संकेत दे रहा है। छोटा सा उपाय है, ये जरूर करें आज। ओम घन सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। किसी गरीब निर्धन कंजकों को अपने घर बुलाकर श्रद्धानुसार कंजकों को भोजन कराएगा, कष्ट करना है। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें, ना मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, समय शुभ है, अनुकूल है और गोचर यह संकेत दे रहा है कि आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, सज्जनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा, पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी और जो आपने विचारा है वो सारे महत्वपूर्ण कार्य आज सिद्ध होंगे। क्या करें, पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाएं। पुराने मित्रों का मेलजोल आज बहुत सी समस्याओं से आपको निजात दे देगा। क्या ना करें, प्रियजनों से अपनों से झूठ ना बोले ना बना रहे। करक सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करें, उससे पहले वास्तु सलाह और सुझाव। वास्तु सलाह में मैंने सुना है कि और विद्वानों से पढ़ा भी है और ये ठीक भी है, मकान में शयन कक्ष, रसोई घर और भोजन कक्ष बीम रहित होना चाहिए। बीम के नीचे न तो बैठे और न ही शयन करे, इससे तनाव होगा, ऐसा वास्तुशास्त्र कहते हैं। जरा देख लेना भाई। और बात करते हैं आज के सुझाव। आप चाहते हो कि आज कोई कष्ट नहीं आए, तो आप सभी लोग, चाहे वो कारोबारी कष्ट हो चाहे पारिवारिक कष्ट हो, 12 की 12 राशि के लोग आज के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल कुष्ठ रोगियों को दान में देके देखेगा, कष्ट कम आएगा। नमूने ने बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, समय उत्तम है और गोचर यह संकेत है कि नए स्रोतों से धन लाभ होगा। जनसंपर्क के माध्यम से व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे, मकान और वाहन लेने का सपना पूरा होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, इच्छित मनोकामना पूर्ण होगी और दिन सुकून और शांति से बीतेगा। क्या करें, सामाजिक सरोकार बढ़ाना बहुत जरूरी है, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, परिवार से या पिता से मतभेद ना रखें, ना मना रहे, ना मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज पारिवारिक समन्वय बहुत जरूरी है और पारिवारिक लोग आपके साथ रहे तो कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, कार्य व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। खर्चों पर काबू रखा और बुजुर्गों की बात मानी तो गुजारे लायक धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि धन की आवश्यकता आज आपको रहेगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी, कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और अपनों का पूर्ण साथ प्राप्त होगा। बस आपको अपनों के साथ खड़ा रहना है। क्या करें, यदि कोई कारोबारी यात्रा करना चाहते तो आप संपन्न करें, लाभ होगा। क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में कोई कार्य ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि सितारों की चाल ये संकेत दे रही है कि आज अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में है तो आज भूमि संबंधी कोई सौदा बिना बुजुर्गों की सलाह या कानूनी दावपेच को देखे बिना नहीं करें, परेशानी है। जिस तरह के घर युगायुग है, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, धन का अपव्यय है, यात्रा में कष्ट है, हानि है, पारिवारिक कले से मन में निराशा उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का, आज छोटा सा उपाय और ये उपाय आप कर लेना भाई, आपके लिए अच्छा रहेगा। रबड़ी और मालुपे, श्रद्धानुसार रबड़ी और मालुपे, गरीब जो मजदूर वर्ग है, बहुत पिछला तबका, एकदम गरीब पिछली लाइन पे जो खड़ा है, किसी गरीब स्वाघन स्त्री को श्रद्धानुसार रबड़ी और मालुपे अपने हाथ से खिलाइएगा या दान में दीजिएगा, कष्ट। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें, न मना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करें, उससे पहले उपाय और आज के अद्भुत देसी नुस्खे। कुछ मित्रों ने कहा कि दाती महाराज आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल चाहते हैं 2018 में, क्या करें। 2018 में आप चाहते कि धन संबंधी समस्याएं आपके पास नहीं रहे, किसी भी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय प्रारंभ करें, लगातार 176 दिन करें, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत एक पूजा नारायण
अपने मुझे 7 बार उतारे और 10 बार नारियल को फोड़कर ये जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर नारियल वहीं छोड़कर आ जाए। पूजा के उपरांत स्वागन और गरीब स्त्री को सफेद वस्त्रों का दान देके देके और ये कर दीजिएगा पूरा साल 2018 आपके लिए अनुकूल बीतेगा। नमन आ रहे हैं और बात करते हैं आज के अद्भुत देसी न्यूज की। मोतियाबिंद की बात करनी है लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी मामला आंखों का है, इसलिए तुरंत आई स्पेशलिस्ट से बात करना बहुत, विशेषज्ञों से बात करना बहुत यदि मोतियाबिंद है। लेकिन यदि आपको मोतियाबिंद अद्भुत देसी नुस्खा भी बता रहा हूं, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ के साथ 1 चम्मच खांड मिला लीजिए जिसे शक्कर बोरा कहते हैं। इसे प्रतिदिन पानी के साथ सेवन करिए, कभी मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होगी, यह अद्भुत नुस्खा है। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों समय उत्तम, संपूर्ण ग्रह योग आयोग आज आपके पक्ष में अनुकूल संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों ग्रह योग आयोग संकेत दे रहे कि आज आपको सफलता मिलेगी, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। यदि भूमि भवन वान का कोई कार्य है आज लाभ आपका इंतजार कर रहा है, मान और सम्मान बढ़ेगा, कारोबार और राजनीति के क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा और रुके हुए संपूर्ण सरकारी कार्य बनेंगे। बहुत सुंदर समय मकर राशि, बस बिना वजह किसी गरीब के पीछे मत पड़ना, किसी बात को लेके बैठ जाते हो ना उसको छोड़ते नहीं, आज इस आदत से दूर रहना, समय बहुत अच्छा बीतेगा। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करना आज बहुत जरूरी, क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए ना बनाए। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, संपूर्ण ग्रह गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार आपके लिए तैयार खड़ा है, और है आप नौकरी में तो आज बॉस खुश होगा, आज का मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है, आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, देश विदेश से शुभ कारोबारी समाचारों की प्राप्ति से मन प्रसन्न, शाश्वत पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी अद्भुत, उन्नति अद्भुत है, धन लाभ और मान सम्मान भी बढ़ेगा। क्या करें, पारिवारिक खुशियों पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्या ना करें, वैचारिक मतभेद अपनों के साथ न पनपने दे मेरे मित्र, न बना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों संपूर्ण ग्रह योग आयोग आपके पक्ष में है और गोचर ये कह रहा है कि आज संतान संबंधी चिंताओं का समाधान मिलेगा, बौद्धिक कार्य कला का क्षेत्र सफलता का अद्भुत क्षेत्र है, आज थोड़ी सी मेहनत है किसी विशेष कार्य के लिए सफलता आपका दामन चाहिए, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आय भी ठीक रहेगी। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को कोई संपन्न करना चाहते हैं, जो कार्य यात्रा हो चाहे नया कारोबार हो, आज का गोचर आपके पक्ष में आप कर सकते हैं, क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें, ना बना रहे। ये था 12 की 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्रों पर आधारित था। मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, ला देने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास ही रहेगा। हाँ, कुछ छूट जाता है तो यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पर गुरुमंत्र विद दाती महाराज, ये मेरा चैनल है, वहां आपको बहुत कुछ मिलेगा, मेरे जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक सार भी मिलेगा, हर रोज ज्योतिष के सुंदर सुंदर उपाय मिलेंगे, नुस्खे मिलेंगे, बहुत कुछ यूट्यूब पे आपको मिलेगा, गुरुमंत्र विद दाती महाराज, www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मिलता। नमन, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ लोगों ने कहा कि परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार का विस्तार नहीं हो रहा, परिवार का वातावरण कलहपूर्ण रहता है, अपनों का साथ नहीं मिले, परिवार के लोग कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, क्या करें, ये बताऊंगा, ये उपाय बताऊंगा इस परेशानी से मुक्ति मिले। दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा या और आज का जीवन मंत्री भी चर्चा करूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद न मना रहे। नमो नारायण, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाख कोशिशों के बावजूद परिवार में सुख शांति नहीं, परिवार में किस तरह का विस्तार नहीं हो रहा, परिवार का वातावरण कलहपूर्ण रहता है, अपनों का साथ नहीं मिल रहा या परिवार के लोग कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आज के दिन नित्य क्रम में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में भगवान हरि विष्णु के सामने सदाभ्र गाय के घी का दीपक जले, शुद्ध मिट्टी के बन जल गंगा जल गाय का दूध कच्चा कदम भरकर श्री विग्रह के सामने रख दी, शुद्ध आसन में शुद्ध
बस धारण करके बैठ जाइए, तुलसी की माला, ओम भूत भावनाए नमः, इस मंत्र की साथ माला जाप, पूजा के उपरांत जल पूरे घर में छिड़क दे और कुछ कुछ जल प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें, संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। न मना रहे और बात करते हैं जीवन मंत्र की। जैसे बालक को रोते देखकर माँ उनके पास आए बिना नहीं रहते, ठीक वैसे ही गुरुमुखों की सच्ची प्रार्थना सुनकर सच्चे सदगुरु आने में एक क्षण का विलंब नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। न मना, अब यह समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। न मना रहे शनि देवा, हरि ओम तत् सत् जय 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 शनि देवा, नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय शुक्रवार का राशि फल, माँ लक्ष्मी को कैसे मैंने पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे और उपाय लेकर आऊँ, लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की संपूर्ण राष्ट्र से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण।